excited to learn yoga and I just excited to learn yoga and being in AYM is a platform to set up my career in yoga. It's almost a month we are learning a variety of yoga and pranayam in AYM. It brings a lot of positive feeling in my mind and soul. Recently, yoga awareness in the people is increased. So, I feel everyone should make yoga as a part of their life. Thank you. क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्रिपेयर करके आते हैं और बहुत सर जब मुझे इतना प्यारा लगता है क्योंकि हमारी जनरेशन काफ़ी सीरियस हो रही है वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही है लाइफ को तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखते हैं कि उसके एफर्ट्स की वो यहाँ पर आई और उसने इतने एफर्ट्स दिखाई थे उसने प्रिपेयर किया और तो दिल से बोलेंगे ना कुछ भी हमारे दिल तक पहुँच ही जाएगा तो कभी प्यार ही बोलना है ना तो दिल से कुछ भी निकाल चले एंड थैंक्स यार मेरे को बहुत अच्छा लगा देखने कि आप आए यहाँ पर और इतना मतलब आप आगे चल के और फैलाओगे योगा को यार तो बहुत प्यारी चीज़ है और मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर ओशो को प्लीज़ हमें बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं मैं जब आपसे पहली बार मिली थी तो मैंने बताया हम लोग के एक्सपीरियंसेस शेयर हुए थे सर तो मुझे बहुत अच्छा लगा था मिलकर इससे बहुत सुन रहा था मुझे डेडिकेटेडली बट आई डिडंट एक्सेप्ट कि मेरे को सीरियसली लेगा एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू ओवर यू कांट इवन इमेजिन दैट थैंक यू यार प्लीज कम बहुत just come to Rishikesh a week ago and
I wasn't into yoga. I wasn't there from the beginning. I was initially a commerce student, and I suffered from some issue, or you could call it, quarter life crisis, existential crisis. Someone introduced me to meditation, and I have not looked back since. I changed everything about me. I changed my career. I changed my whole personality, and now I am playing, or I am exploring with this new identity that I've never seen before, and I'm meeting such beautiful people there that I didn't know could exist. And truly, I experienced inner peace when I came to Rishikesh. And I know somewhere you guys might resonate with me on some level, because this is like a yoga for me personally. Is like a rebirth, the reincarnation of itself. And I'm not going to look back. And I'm hoping to continue and contribute to this field or this society in any way possible. Thank you so much. अपना एक बहुत पॉजिटिव ऑरा हमें देने के लिए, अपने दिल से बोलने के लिए. और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, वो चले, पर योगा करना मत छोड़ो, क्योंकि योगा ने जो मुझे भी दिया है वो भी मैं वो एक ऐसी फीलिंग है जो मैं आप सबसे नहीं बता सकती, क्योंकि वो फीलिंग है. और वो मैं आप मेरे चेहरे पर कॉन्टिन्यूस स्माइल देख रहे हो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योगा. क्योंकि बहुत मैं हंसती रहती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ. सो वो चुप हो गई थी, तो वो लक्षा वापस आ गए. मतलब वो आप मेरे को देख रहे हो, मैं कुछ प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ वहाँ पर कि कुछ बना के बोल रही हूँ. मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया. सर ने बोला बोल दे शायद पहुँच रहा होगा दिल पे. मैं अपनी बहुत खूबसूरत दोस्त को बुलाना चाहूँगी. रजनी इज वेरी गुड कोच, इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. प्लीज़ आके बताइए कैसे एक्सपीरियंस है आपका ऋषिकेश का, क्या सीखा आपने योगा आपने लिए. Thank you.
much for sharing so beautiful words. So, जैसे इसने बोला योगा बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ, बस फील करने की देर होती है. तो मुझे लगता है कि ना जैसे हम कहते हैं कि हमने ना बहुत पैसा कमा लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, बैंक बैलेंस करोड़ों में रहते हैं, ये हमारी धरोहर है, इसे हमें आगे लेके जाना, ये हमारी चीज है. और इतना आगे लेके जाना है, सर आप यूएस से आए हैं ना, ज़रा सा मतलब एक बार बोलेंगे ना इसके बारे में तो दुनिया को पता ही है सर. लेकिन दुनिया को हम क्या है हमें वो बताना है कि हम ये हैं, क्योंकि ये हमारी चीज़ है. हम बहुत गर्व से बोल सकते हैं कि योगा हमारा है, हमने दिया है दुनिया को. तो मुझे लगता है कि सर कि आप बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं, जो अभी तक केदारनाथ के लिए कुछ तो होगा इस धरती पे सर, जो आप अभी तक एक महीने से केदारनाथ के लिए वेट कर रहे हैं कि कब वो द्वार खुलेंगे और आप जाएंगे. तो मुझे लगता है कि कुछ तो है, तो वो कुछ को हमें आगे बस लेके जाना है और ज़रा सी नॉलेज अपने एक प्रॉपर राइट गुरु के अंदर वो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज को हम आगे लेके जाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा. तो एक प्रॉपर नॉलेज हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारी गीता के बारे में, हमारी योगा के बारे में दुनिया को बताना. तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगी मिस्टर केशव दास को, सो प्लीज़ वेलकम एंड शेयर सम ब्यूटीफुल वर्ड्स विद अस. Thank you, Guruji. I came here to go to Kedarnath. That is still the goal, and I am going to go there when they allow me to go there. But after I came here, yoga has found me. And I have had the good fortune to meet a lot of wonderful people. Wonderful people. And every day in life, you meet wonderful people, you feel attracted to them, and you want to make friends with them. Not everyone, but a few people you meet every day, you feel that way. In Rishikesh, almost everybody I meet, I feel that way. So there is not only the spiritual presence of Gangaji and the mountains, there's also the spiritual presence in the lives of each of you. That I really admire. I think I feel already at home. I am from Tamil Nadu. No, I am from Kerala. My family is from Kerala, but I was born and raised. I grew up in Tamil Nadu, in Chennai. Studied high school, college, and then went to the United States to continue my study. And I lived there for 32 years. And I come back now, and I can see that, Mahishi, that challenge you said on International Yoga Day, I should spread the word and make one more student, that's me. I will promise you that I will continue the learning, the practice in a formal way. And many of the stories that you have said is true, that it does benefit both the body and the soul, and that makes a society and the world a better place. So I'm going to do my part. And I, you know, you, some of you shared personal stories. I will share one. In quarter life crisis, midlife crisis, okay? So just, you know, I'm 55 years old and I want to see the world differently. My family is, children are out of the house in college. So I begin to feel like now I am becoming a giver rather than a receiver in the world. And I'm very, very fortunate to know all of you. I hope you will stay with me as friends. Thank you, sir, for sharing your experience with us. Thank you so much. जैसे मैंने बोला कि योगा फैलाने से फैलता है, तो मुझे पता नहीं था कुछ योगा के बारे में ज़्यादा कुछ कि चलो ठीक है, मैं प्लेयर थी, एक खिलाड़ी हूँ, अच्छा खेलती थी, चल रहा था मस्त मंदिर में चल रहा, पर मिल नहीं रहा था वो जो चाहिए था. तो जब यहाँ पर आई ना तो इतना कुछ मिल गया, अब शायद वापस आने का दिल नहीं कर रहा. एक अलग दुनिया है, आप लोगों का इतना पॉजिटिव ऑरा है जिससे मुझे बहुत कुछ मिला, आप सोच भी नहीं सकते. तो
तो मुझे काफ़ी हद तक इंट्रोड्यूस कराया सूर्य ने, काफ़ी उसने मुझे बताया, इतना कुछ बताया कि मैं इतना मोटिवेट हो गई कि बैडमिंटन को साइड में रख दिया, आई एम अ बैडमिंटन प्लेयर, कि मैं आगे एक ऐसी जगह जहाँ मेरे से रिलेटेड कुछ नहीं था, पर अब योगा मेरे रोम रोम में ऐसे समा गए, मेरे को अभी मन नहीं कहता ऐसे रात में 8 बजे आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मिसिंग है, तो 9 बजे अपना पहले योगा करती हूँ, फिर डिनर करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, वो बॉडी थक जाती है ऐसे, लेकिन वो खुद मैट की तरफ पैर चले जाते, तो थैंक यू सर। तो मैं सूर्यदीप को बुलाना चाहूँगी, थैंक्स फॉर यू नो मुझे योगा के बारे में इतना मोटिवेट करने के लिए कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई, प्लीज़ आइए और बताइए अपने एक्सपीरियंस। Just, I began my practice in 2016. I did my first TDC. So that time I realized like how important asanas to perform and it medically help us. But since very first day till the time, every day yoga surprises. Someone says, Happy International Day, Happy Mother's Day, Happy Father's Day. I believe just remove this international one. Every day you practice on your mat, it will make you happy your body. When you walk on the street, you've seen so many beautiful people around you. I met everyone, I feel so humble to them. But I realized, when I finish my practice in the morning on my mat, it makes me a better person to be in the street. You don't need to find betterment outside. Yoga made me better every day. It made me feel alive. I don't know how much I am good or not. Because there is no result in the world. I try to teach few of people and they went to me and said, sir, 3 months, 6 months, 7 months. I said, you have to live 60, 70, 80, 90 years. Why are you so in a hurry? Yoga is something you have to do every day. Results is the practice. Right now we're on the mat, it's the your knowledge. Otherwise, we all learn information. In 3 months, we might learn yoga. I don't believe. In rest of the life, I still believe it's hard to follow yam niyam. Asanas pranayama is far away from me yet. 3 months practice karna hai na, 3 months same time sona, same time uthna, same thing, time food lena, yam niyam hi nahi ho pa raha hai. And I want to reach to samadhi. Still I believe like yam is far away from me. Niyam is million miles away from me. Every day try to reach just yam niyam. There is a time to wake up, there is a time to sleep, there is a time for food. That's why you're born as a human body. The basic we need 8 hours sleep, 90 minutes practice, 3 meals a day, 2 substitute. It's your basic responsibility towards your own body. If you will get extra time rather than follow your own routine, then do whatever you want to do. Someone can play badminton, someone can play any sport, someone can travel the world. But if you're born as a human, so never forget the basic responsibility of your body. It needs proper time for sleep, eat, rest. So everyone, we have same 24 hours in the world. Me, he, she, Ambani. How you adjust your routine, it makes difference in the life. I don't love to do practice jab mere haath mein nahi puri na. I don't want to be on the mat. Us mat par pehla neend jab aap aa rahe hai, to sthir, stable state of mind. Wo bina achhi neend nahi hota. Achhi neend aati hai, suraj के साथ उठना, चांद के साथ रूटीन, चंद्रमा और सूर्य, सिंपल सा लाइफस्टाइल में ज्यादा बड़ा कुछ प्रैक्टिस नहीं है, ट्राई टू मेक योर यम नियम मोर बेटर, रिजल्ट्स आएंगे दुनिया में। आज मैट पे मैं आया हूँ तो मुझे कल से आज बेटर रिजल्ट्स मिले हैं, परसों आया हूँ मुझे परसों आज से बेटर रिजल्ट्स मिले। दिस इज ऑल अबाउट टू फील अलाइव, टू बी इन द प्रेजेंट, इट्स द ओनली वे आई फेल्ट फॉर द योर, एंड एवरी डे इट्स मेसमराइजिंग। हर रोज सुबह उठने के बाद होप है, yeah, I have to do practice. I have to be more humble to myself. Try to find out, my name is Surya. If my name is Osho, then I will know Osho. But still, I exist in the universe. So who I am is the important question for me, and I am looking for what's the purpose of life. To not give shape to the universe. It's the only purpose. I born as a slave of the universe. I will be the best slave. And the beauty of your life, I don't have any doubts in my life now. I completely surrender myself to your world. I don't have any doubt in the world. I play for India, I'm an international athlete, won several world medals, but satisfaction jab ek lamba saans lete hain, smiling.
ये मुझे योगा प्रैक्टिस से मिला प्राणायाम से. तो लिटरली टच वुड वुड लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस रेस्ट ऑफ द माय लाइफ बिकॉज इट्स मेक मी अलाइव इट्स मेक मी अ रीजन ऑफ लाइफ आई प्रेड फॉर इंडिया आई इट्स माय डिजायर आई वांट टू डू वर्क फॉर आई नीड दैट इट्स माय डिजायर बट 90 मिनट्स वर्क आउट इट्स बेसिकली नीड सो ट्राई टू फाइंड आउट योर नीड फूड इज योर नीड You eat every day paneer, it's fine. But जिस दिन पनीर नहीं हुआ उस दिन तुम्हें फूड से परेशानी हुई इट मीन्स रेस्ट ऑफ द लाइफ यू ऑन द रॉन्ग पाथ बिकॉज फूड बेसिकली टू ईट डिजायर कम ऑन द सेवन पाथ तो पेट भरना एक्सरसाइज करना और सोना तीन चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए लाइफ स्टाइल में आई डोंट बिलीव इन दिस रिजल्ट अपने आप अच्छे आते हैं दैट्स व्हाट आई फेल्ट और ज्यादा मुझे पता नहीं एवरी डे आई लर्न मोर And thanks everyone.